तो दोस्तों, वैसे तो अब तक स्पाइडरमैन की कई सारी मूवी रिलीज हुई है, लेकिन 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हमें माइल्स मोरालेस का अल्टीमेट स्पाइडरमैन नजर आया। और इसी फिल्म में पहली बार स्पाइडरवर्स यानी मल्टीपल स्पाइडरमैन दिखाए गए। सोनी की ये एनिमेटेड सुपर हीरो फिल्म बहुत ही एंटरटेनिंग और काफी बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी है। और अब इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आ गया है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस मूवी को देखने के लिए आपको इसका पहला पार्ट समझना जरूरी है। इसीलिए आज मैं स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है ब्रुकलिन शहर के माइल्स मोरालेस की, जो कि एक 14 साल का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। माइल्स बहुत ही होशियार और काफी कूल लड़का है और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन उसके पिता जेफरसन एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए वो स्पाइडरमैन को पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि माइल्स बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इसी वजह से माइल्स अपने पिता से थोड़ा दूर रहता है और वो अपने चाचा यानी अंकल एरन के ज़रा करीब है। एरन एक छोटा मोटा क्रिमिनल है और वो अपने भतीजे को बहुत चाहता है। माइल्स को पेंटिंग करने का बहुत शौक था, पर उसके पिता इस बात से चिढ़ते थे, लेकिन एरन उसकी इस खूबी की कदर करता था। इसलिए एक बार जब माइल्स अपने अंकल से मिलने जाता है, तब एरन उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर वॉल पेंटिंग करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ जब माइल्स पेंटिंग करने लगता है, तब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर वहाँ आकर उसके हाथ पर काट लेता है, पर वो उस मकड़ी पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे मार देता है। लेकिन अब उस स्पाइडर का DNA माइल्स की बॉडी में जा चुका था और उसका शरीर विकसित होना शुरू हो गया था। फिर जब अगले दिन वो सोकर उठता है, तो उसके पास स्पाइडरमैन की जैसी सभी पावर्स आ जाती है। और क्योंकि माइल्स को जिस मकड़ी ने काटा था वो एक दूसरी दुनिया की शक्तिशाली मकड़ी थी, इसलिए माइल्स के पास दो एक्स्ट्रा पावर भी आ गई थी, जिसमें से एक थी इनविजिबिलिटी और दूसरी थी इलेक्ट्रिक शॉक। हालांकि माइल्स को स्पाइडरमैन पसंद था, लेकिन वो उसके जैसा बनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो ये पावर्स मिलते ही घबरा जाता है और वो दोबारा उसी ट्रेन स्टेशन पर जाता है, ये देखने के लिए कि जिस मकड़ी ने उसे काटा था वो एक मामूली मकड़ी थी या खास। वहाँ जाने पर माइल्स को ये पता चलता है कि वो एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर था जिसे एल्केमैक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया था। एल्केमैक्स एक ऐसी कंपनी थी जो कि बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करती थी। फिलहाल ये कंपनी शहर के क्राइम बॉस विल्सन फिस्क यानी किंग पिन के लिए काम कर रही थी, जो कि अपनी मरी हुई बीवी और बेटे को वापस लाना चाह रहा था। इसी वजह से एल्केमैक्स के साइंटिस्ट ने सुपर कोलाइडर नाम की एक मशीन बनाई थी, जिससे दूसरी दुनिया के लोगों को इस दुनिया में लाया जा सकता था। इस सुपर कोलाइडर की मदद से किंग पिन किसी पैरेलल यूनिवर्स से अपने बीवी और बेटे को इस यूनिवर्स में लाना चाहता था, लेकिन जब इस बारे में स्पाइडरमैन को पता चलता है तो वो किंग पिन को रोकने में लग जाता है, क्योंकि उस कोलाइडर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। फिर एक दिन किंग पिन और उसके साथी उस कोलाइडर को टेस्ट करना शुरू करते हैं। तब स्पाइडरमैन उस मशीन को तबाह करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जहां वो टेस्टिंग चल रही थी वो जगह उसी अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन के पास थी जहां पर माइल्स को उस मकड़ी ने काटा था। और जब माइल्स दूसरी बार उस जगह पर पहुंचता है, तब वहां उसे स्पाइडरमैन दिख जाता है जो कि उस कोलाइडर को तबाह करने आया था। फिर वहां पर किंग पिन के आदमी ग्रीन गॉब्लिन और प्रॉलर स्पाइडरमैन को मारने के पीछे पड़ जाते हैं, और जब उनकी लड़ाई चालू होती है तो उस उथल पुथल में माइल्स भी फंस जाता है। तब स्पाइडरमैन उसे बचाता है और वो माइल्स को देखते ही ये समझ जाता है कि उसके पास भी सेम पावर्स है। उधर वो कोलाइडर ऑन हो गया था, इसीलिए स्पाइडरमैन माइल्स को वहीं छोड़कर उस मशीन को बंद करने जाता है। तब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को मारने के लिए उसे चालू कोलाइडर के बीच में डाल देता है, और जैसे ही उस मशीन में स्पाइडरमैन का DNA जाता है, तब उस दुनिया में एक भूकंप आता है और 5 अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो कोलाइडर डैमेज हो जाता है और उसके धमाके से गॉब्लिन मर जाता है। अब इस दुनिया का पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन भी बहुत घायल हो गया था, इसलिए जब माइल्स उससे मिलता है तो वो उसे उस कोलाइडर को तबाह करने की जिम्मेदारी सौंप देता है, लेकिन उसे तबाह करने से पहले डीएक्टिवेट करना जरूरी था। इसीलिए पीटर उसे एक पेनड्राइव देता है और बोलता है कि जब भी वो कोलाइडर दोबारा ऑन हो तो उसे उस पेनड्राइव से डीएक्टिवेट करके तबाह कर देना। इसके बाद किंग पिन वहाँ आता है और वो स्पाइडरमैन को मार डालता है। तब माइल्स वहाँ से भागना शुरू करता है, हालांकि प्रॉलर उसका पीछा करता है, लेकिन फिर भी वो बच के अपने घर चला जाता है। अब स्पाइडरमैन के मरने की खबर पूरे शहर में फैल गई थी, पर किसी को भी ये नहीं मालूम था कि उसे किंग पिन ने मारा है।
सबको यही लग रहा था कि वो भूकंप से मारा गया। उधर किंग पिन उस कोलाइडर को ठीक करके उसे फिर से चालू करने की तैयारी कर रहा था, और इधर माइल्स अब स्पाइडरमैन के मरने की वजह से खुद उसकी जगह लेने का फैसला करता है। इसीलिए वो अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करना शुरू करता है, लेकिन इसी चक्कर में वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे वो कोलाइडर डीएक्टिवेट करने वाला पेन ड्राइव टूट जाता है। तब माइल्स उदास होकर स्पाइडरमैन की कवर पे चला जाता है, पर तभी वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का पीटर पार्कर आ जाता है, जो कि थोड़ी ज्यादा उम्र का एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन था। उसे देखकर माइल्स बहुत हैरान हो जाता है और वो गलती से उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे किसी तरह अपने घर लेकर जाता है और उससे थोड़ी पूछताछ करता है। इससे माइल्स को ये समझ में आता है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, जो कि उस कोलाइडर की वजह से यहाँ पर आ गया है। फिर माइल्स उसे किंग पिन के प्लान के बारे में बताता है, तो पीटर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। पर उस कोलाइडर को बंद करने के लिए उन्हें एक नए पेन ड्राइव की जरूरत थी, तो इसके लिए वो दोनों एल्केमेक्स कंपनी में चले जाते हैं, ताकि वहां से वो इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करके एक नया पेन ड्राइव बना सके। वहां पर उनका सामना डॉक्टर ऑक्टेवियस से होता है, जो कि उस कोलाइडर एक्सपेरिमेंट की मेन साइंटिस्ट थी। वो पीटर को देखकर ये समझ जाती है कि वो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आया है, और वो ज्यादा देर यहाँ पर रहेगा तो मर जाएगा। इसी दौरान माइल्स वहाँ का कंप्यूटर चुरा कर भागने लगता है। तब ऑक्टेवियस उन दोनों को मारने के पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी ग्वेन स्टेसी नाम की एक लड़की, जो कि दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडर वुमन थी, वो माइल्स और पीटर की मदद करने वहाँ आ जाती है, और वो ऑक्टेवियस को हरा देती है। फिर माइल्स, ग्वेन और पीटर वो कंप्यूटर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, और अब ग्वेन भी उनके मिशन में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो तीनों उस कंप्यूटर से एक नया पेन ड्राइव बनाने के लिए उस दुनिया के मरे हुए स्पाइडरमैन के घर चले जाते हैं, जहां आंट मे उन्हें स्पाइडरमैन की हाईटेक गुफा में लेकर जाती है। उस जगह पर पहले से ही तीन अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन मौजूद थे, जिन्हें आंट मे ने सहारा दिया था, और ग्वेन और पीटर की तरह वो तीनों भी दूसरी दुनिया से यहाँ आने की वजह से धीरे धीरे मर रहे थे। इसीलिए माइल्स ये तय करता है कि वो पहले उन सबको वापस घर भेजेगा, उसके बाद वो उस कोलाइडर को तबाह करेगा। लेकिन वो पांचों स्पाइडरमैन इसके लिए राजी नहीं होते, क्योंकि माइल्स के पास पावर्स तो थी पर एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। ये सुनकर माइल्स काफी दुखी हो जाता है, और वो वहाँ से निकलकर अपने अंकल एरन के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे ये पता चलता है कि उसका अंकल ही असल में प्राउलर है, इसलिए माइल्स वहाँ से भागने लगता है, तो प्राउलर उसका पीछा करता है। एरन को ये नहीं पता था कि वो लड़का उसका भतीजा है, इसीलिए वो उसे मारना चाह रहा था। फिर माइल्स भागते हुए आंट मे के घर चला जाता है। वहाँ पर बाकी स्पाइडरमैन ने वो नया पेन ड्राइव बना लिया था। तभी माइल्स वहाँ आकर सबको अपने अंकल की असलियत बताता है, लेकिन उधर प्राउलर उसे मारने के लिए कई सारे लोगों को लेकर आंट मे के घर आ जाता है। फिर वो सब लोग सभी स्पाइडरमैन को मारने और उस पेन ड्राइव को छीनने की कोशिश करते हैं, पर वो हार जाते हैं। लेकिन आखिर में प्राउलर माइल्स को पकड़ लेता है, और तब माइल्स अपनी जान बचाने के लिए एरन को अपनी शक्ल दिखा लेता है, इसीलिए एरन उसे छोड़ देता है। पर ये देखकर किंग पिन प्राउलर को गोली मार देता है, जिससे वो मर जाता है। इसी दौरान माइल्स के पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो एरन की मौत के लिए नए स्पाइडरमैन को जिम्मेदार मान लेते हैं। इसके बाद माइल्स अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ बाकी स्पाइडरमैन आकर उससे मिलते हैं। उन सब ने मिलकर ये सोच लिया था कि वो किंग पिन से लड़ने माइल्स को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और आखिर में पीटर उस कोलाइडर को तबाह करने यहाँ रुकेगा, मतलब वो घर नहीं जा पाएगा। पर माइल्स इसके लिए नहीं मानता, इसीलिए पीटर उसे उसके रूम में बांध देता है, और सभी स्पाइडरमैन वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ किंग पिन का वो कोलाइडर सुधर गया था, और वो उसे आखिरी बार चालू करके अपने बीवी बच्चे को यहाँ लाने वाला था। हालांकि सभी साइंटिस्ट उसे ये समझाते हैं कि ऐसा करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, और वो अपने कोलाइडर एक्सपेरिमेंट से शहर वालों का ध्यान हटाने के लिए स्पाइडरमैन की याद में एक फंक्शन रखता है, जहां वो कई सारे लोगों को बुलाता है, और वो उसी बिल्डिंग के नीचे अपने कोलाइडर का काम शुरू कर देता है। उधर जैसे ही पीटर, ग्वेन और बाकी स्पाइडरमैन को इस बारे में पता चलता है, तो वो किंग पिन के फंक्शन में पहुंचकर उस बिल्डिंग के नीचे चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइल्स अपनी पावर्स को फोकस करके आजाद हो जाता है, और वो आंट मे के पास जाकर अपने लिए एक नया स्पाइडरमैन सूट बनाता है। फिर वो भी उस कोलाइडर के पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर किंग पिन के साइंटिस्ट ने कोलाइडर में उसके बीवी और बेटे का डीएनए डालकर उसे ऑन कर दिया था, जिससे पूरे शहर में तबाही आना शुरू हो जाती है।
तब पीटर उस पेनड्राइव से कोलाइडर को बंद करने की कोशिश करता है, पर वहां डॉक्टर ऑक्टेवियस और कई सारे विलन आकर सभी स्पाइडरमैन से लड़ना चालू कर देते हैं। फिर माइल्स भी वहां पहुंच जाता है और वो सबकी मदद करता है। उधर वो कोलाइडर बिल्कुल अनस्टेबल हो गया था और उससे हर डायमेंशन की चीजें यहां आने लग रही थी। तब माइल्स उस कोलाइडर में वो पेनड्राइव लगाकर उसे डीएक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे किंगपिन की फैमिली यहां आते आते रुक जाती है। फिर माइल्स उस कोलाइडर से एक पोर्टल खोलकर सभी स्पाइडरमैन को वापस उनकी दुनिया में भेज देता है। अब उस कोलाइडर को बंद करने के लिए बस एक बटन दबाना बाकी था, पर तभी किंगपिन वहां आ जाता है और अपना प्लान फेल होने की वजह से वो माइल्स की जान लेने पर तुल जाता है। इससे माइल्स हारने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता वहां पहुंच जाते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि असली विलेन स्पाइडरमैन नहीं बल्कि किंगपिन है। इसीलिए वो स्पाइडरमैन का हौसला बढ़ाते हैं और तब माइल्स किंगपिन को शॉक देकर उसे उस कोलाइडर के बटन पर फेंक देता है, जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद माइल्स किंगपिन और उसके साथियों को पकड़कर गिरफ्तार करवा देता है और अब वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पाइडरमैन बनकर पूरे शहर की हिफाजत भी करता है। फिर कुछ टाइम बाद ग्वेन एक पोर्टल के जरिए माइल्स की दुनिया में उसे मिलने आती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिगेल ओहेरा नाम का एक फ्यूचर का स्पाइडरमैन नजर आता है, जो कि मल्टीवर्स पर नजर रखने का काम करता था। माइल्स की दुनिया में जो कुछ भी हुआ था उससे कई सारे यूनिवर्स खतरे में आ गए थे, इसीलिए मिगेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की एक वॉच बनाता है और वो उससे अलग अलग समय और दुनिया में जाकर दूसरे स्पाइडरमैन को अपने साथ जमा करना शुरू करता है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.